तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए हम लोग घाट से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे तैयारी होने लगी है कोसी भराई की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे सब मिलके रंगोली बना रहे हैं और दीदी बता रही है किस तरह से होता है, ये मुझे तो नहीं पता, देखिए बड़े बता रहे हैं सब। अब वहाँ पे सब फल लेके जा रहे हैं बच्चे, अब वहाँ पे अच्छे से सजाया जाएगा और बाहर यहाँ पे खाना हो रहा है, आप देख सकते हैं बफर सिस्टम से खाना खिलाया जा रहा था, बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स खाना हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं खाना सब खा रहे हैं और बहुत ही मजा आया, हमने बहुत सारा डांस किया और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और हमारी मामी को लाइक सब्सक्राइब दीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, हमें कैसे लग रही जरूर बताइएगा। छठ मैया आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें, ठीक है। तो फ्रेंड्स कोसी की सब तैयारी हो चुकी है, ये भी मेरी ननद जा रही हैं, अब वहाँ बैठेंगी और फिर कोसी की बहुत सारी रस्म होती हैं, कपड़े वगैरह से गोद भराई होता है, मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं पता है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आप समझ सकते होंगे तो समझिएगा। तो देखिए कोसी कितना अच्छा लग रहा है, जगमगा गया है, पूरा दिया वगैरह जल चुका है। तो फ्रेंड्स आगे आप देखिए यहाँ पे बाबू है जिसका बाल उतराया गया था, उसको एक कोई रस्म होता है ऐसे झाड़ू लगाया जाता है आंचल से और फिर सारे लोग चारों तरफ से घूमेंगे। तो फ्रेंड्स आगे देखिएगा और सभी लोग कपड़ा वगैरह दे रहे हैं और जो कपड़ा जो दिया है उसको बांध के रख दिया गया है। अब वही झाड़ू वाला जो रस्म है मुझे तो नहीं पता है, छठ मैया की महिमा प्रेम पार है। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं ये रस्म है, इस तरह से बाहर बाहर के लोग भारतीय और वो लोग चल रहे हैं, आप देख रहे हैं मेरी नन है, उनके हस्बैंड है और उनका बेटा है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और छठ मैया आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें और उनकी महिमा अपरंपार है। तो ये रस्म भी पूरा हो गया, सब प्रणाम कर रहे हैं, अब हम लोग सोच रहे थोड़ा कुछ अगरबत्ती दिया हम लोग भी जला लें। तो यहाँ पे देखिए सब लोग दिया वगैरह जला रहे हैं, गीत गा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक दिया जला लूँ और क्या नाम है थोड़ी सी पूजा कर लूँ और कुछ फ़ोटो वगैरह खींच लिया जाए, क्योंकि बाद में फिर सो जाएंगे तो फिर खींच भी नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लोटा वगैरह का दिया जला के वहाँ पर मैंने रखा छठ मैया के लिए और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत फ़ोटो खींचा, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स वीडियो में। तो फ्रेंड्स यहाँ भी मेरी पूजा भी समाप्त हो गई और यहाँ पे देखिए अम्मा को कौन सिस्टम है, आपका क्वेश्चन कौन सिस्टम अम्मा, कौन सिस्टम बम्पर कौन सिस्टम बम्पर सिस्टम तो फ्रेंड्स पूजा पाठ खत्म, अब डांस टाइम। तो यहाँ देखिए मेरे गोलू जीजा जी डांस कर रहे हैं और यहाँ मेरे हस्बैंड को खींच रहे हैं, देखिए वो जाना नहीं चाहते, उनको आता नहीं है डांस, मेरे गोलू जीजा जी फिर भी कर लेते हैं लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी उन्होंने किया डांस। आप वीडियो में देखिए और कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं और कुछ लेडीज और थे सब डांस कर रहे हैं।
तो फ्रेंड्स बहुत रात हो चुकी है, सारा पूजा पाठ जो भी होना था, खाना पीना सब हो चुका है। तो चलिए सुबह जल्दी उठना है, घाट पे जाना है। तो डांस वांस बहुत हो गया, पैर भी दर्द हो रहे हैं और बज रहे हैं रात के 1 बज रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए जल्दी से सो जाते हैं, तो सुबह जल्दी उठ के जाना है घाट पे। तो चलिए नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं सुबह घाट पे। नमस्कार, गुड नाइट।